आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह की शुरुआत से अंत तक एक आनंद और उल्लास का दिन। बात करते हैं पहले 30 तारीख को जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्म महोत्सव, कृष्ण का जीवन, कृष्ण की बातें, कृष्ण की लीलाएं आज भी अपने दिमाग में से नहीं हटती। 5000 से ज्यादा सालों पूर्व की बात, और ये चरित्र आज भी लोगों के दिमाग में, दिल में, जहन में उतर गया है। एक अनेर्य प्रभुत्व, ब्रह्मत्व की बात, और इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम बोला गया। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में ये दिन का महत्व बहुत है, और यही बात लोगों को जहन में रहती है। कृष्ण जन्म महोत्सव, कृष्ण जी का जन्म वासुदेव और देवकी के द्वारा जैन में हुआ था, मगर इनका उछेर नंद बाबा ने किया, और आगे की स्टोरी तो बहुत बड़ी है। कृष्ण साहित्य करने जाओ तो शायद 10 दिन भी कम पड़ जाए। कृष्ण लीला के अंदर लोगों को इतना पता है कि कृष्ण जी बहुत बहुत अलग अलग पराक्रम करते थे, मगर उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण को भी दुख होता था। वो बातें जब मथुरा छोड़ा, जब नंद बाबा का घर छोड़ा, मथुरा गए, मथुरा छोड़ा, द्वारका गए, हर वक्त इनको भी तो कुछ न कुछ चुभता था, मगर पूर्ण पुरुषोत्तम थे, ब्रह्मा थे, बताए। आगे की बात करें तो इसी दिन विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस, 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, और हिंदुत्व के लिए आरएसएस की एक पाक तैयार हुई, जो संत और धर्मात्माओं को लेकर साथ में चलेगी, ऐसे तय हुआ। बहुत बदलाव आया, चलता रहा, मगर एक बात हम छोटे से तब बोलते थे कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। वो बात पूर्णता की ओर पे आ गई है। आगे की बात करें तो एक अनोखा व्यक्तित्व जिन्होंने देह विलय किया, इसी दिन जन्माष्टमी के दिन है, अनोखा कृष्ण का भक्त, विष्णु का भक्त बोल सकते हैं, 15वीं सदी की बात है। और क्या इन्होंने एक पद रचा जो पूरे जगत के अंदर मशहूर हो गया, वैष्णव जन तो तैन रे कहिए जो पीठ पर आई जान है रे। ऐसे वो नरसिंह मेहता जी का पुण्यतिथि, उनको सत सत नमन। ऐसी भक्ति जो कृष्ण के अंदर लीन हो गई, धन्य है ऐसे भक्तों को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का दिन है, उसी दिन 30 तारीख को ही छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती है, वो कुछ बना के देती है, तो बड़ी इंडस्ट्रीज कुछ बड़ा कर सकती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा अहम पार्ट है इस जगत के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। इनको कैसे उकसाया जाए, इनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, ये सब बताने के लिए और ये सब के अंदर इनको प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन रखा गया है। अब तो उसको बोलते हैं MSME। खैर, बातें बदलती रहती है, बातें की होती है। 31 तारीख को कृष्ण जन्मे थे, 30 तारीख को यानी कृष्ण जन्माष्टमी थी। कृष्ण जन्मे थे मगर कृष्ण का नंद महोत्सव मनाया गया था नंद बाबा के घर। दूसरे दिन नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ये बात दूसरे दिन हुई थी, यानी 31 तारीख को 9 नंद महोत्सव। उसी दिन रामानुज जयंती है, दक्षिण के एक संत जिन्होंने बहुत कुछ किया धर्म के लिए, हिंदू धर्म की बात, इन्होंने बहुत कुछ किया
प्रचार किया, प्रसार किया, एक संप्रदाय बन गया और वो रामानुज संप्रदाय इनके प्रतिष्ठा वंदन इनको भी। 2 तारीख को कोकोनट डे है, कोकोनट की यानी हम श्रीफल बोलते हैं, नारियल बोलते हैं, इनकी महत्वता क्या है, ये कितना जरूरी है, इकोनॉमी भी ऐसे भी बहुत जरूरी है, कई लोगों को रुचि देता है, साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी बात है, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है जागरूकता लाने के लिए। 3 तारीख को अजा एकादशी है, 3 तारीख को ही पर्युषण पर्व चालू होगा जैनों का, 4 तारीख को शनि प्रदोष है, 5 तारीख को इस माह की शिवरात्रि है, 5 सितंबर हम कभी नहीं भूल पाएंगे सर्वपल्ली राधा कृष्ण जो हमारे राष्ट्रपति थे उनका जन्मदिवस यानी टीचर्स डे। सर्वपल्ली राधा कृष्णन 5 सितंबर 1888 में जन्मे थे और 17/4/1975 में उनका देह शांत हो गया। श्रद्धांजलि ऐसे लोगों को कि जिन्होंने छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक की चीजें हासिल की और शिक्षण जगत को, शिक्षक लोगों को, शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षक बनाने की बातें लाए। उसी दिन 5 तारीख को एक बहुत बड़ा दिन है, फॉरगिवनेस डे, क्षमा दिवस, 1995 से इसको मनाया जाता है। आमतौर पे फैमिलियों में ईगो पे हम अटक जाते हैं तो क्षमा भूल जाते हैं। अभी पर्युषण पर्व चल रहा है, महावीर स्वामी जयंती आएगी, सर्वोत्सरी आएगी, उसी दिन सब जैन भाई एक दूसरे को बोलते हैं मिच्छामि दुक्कड़म, पूरा बोलते हैं मन वचन कर्म से मिच्छामि दुक्कड़म, मन से कर्म से वचन से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा मांगना। वही बात इन्हीं दिनों में आता है, ये फॉरगिवनेस डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्षमा देने वाला बहुत बड़ा होता है और जीवन के अंदर याद रखो कि कई चीजों में भूल जाना ही बहुत बड़ी बात है। हम भूलते नहीं है, हम याद रखते, हम जहन में रखते और दुखी होते हैं। ये चैनल आप तक जो पहुंच रहा है वो चैनल आप सब्सक्राइब करिए, हमको आपकी बहुत जरूरत है। आप लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक सच्चा मैसेज पहुंचे कि हकीकत में अपने शास्त्र में क्या है, सच्चाई क्या है और जीवन क्या है। आप सबके सबके सहकार की अपेक्षा के साथ अस्तु, शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।